सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि हमारे और आपके बीच में ऐसे लोग भी हैं क्या। 15-20 मिनट आइए। Thank you.
पत्नी के नाम शांति, दू बेटा हुआ जड़वर जो बेटवन के नाम बा भरत शत्रुघ्न, एक बेटी के सबसे बड़ी बिटिया रहल बिटिया के नाम बा सरिता। पांच परिवार के जिंदगी के सहारा कहा बाबू के टूटे ही रिक्शा, दस रत्न रिक्शा चला चला के बाबूजी बीबी और बच्चों के पेट के भोजन चलाता था। बेटी घर में सरिता शयान पड़ल में, एक दिन शांति अपने सैया से कहनी की ए सैया, दो महीना से हमारे सीना में दर्द होला, लेकिन घर की स्थिति देखे हम कुछ कर ना पाओ थी, लेकिन हमें अंदर से आभास होता कि हमार रोग दिन पर दिन गरुआई जात बा। 500-600 रुपया इकट्ठा कैले रहन, अपने पत्नी के हाथ में दिलम कलम की शांति सबसे पहले जाके तू अपन इलाज करा ला, और इलाज करा लेबू तो पता चल जी कि तुम्हें का भेल बा। शांति हॉस्पिटल में आती है बाबू जी, हॉस्पिटल में चेकअप कराती है, जब चेकअप करा के जा रही थी तो डॉक्टर अपने चेंबर में बुलाया, बोला कि शांति इधर सुन जाती है कहती है हाँ साहब, बोला कि तुमसे कुछ बात करना है। डॉक्टर के सामने बैठ जाती है, डॉक्टर साहब बोले कि सुनो जो बात हम बताने जा रहे हैं कलेजा थोड़ा थाम के बैठना, कहती है साहब मुझे क्या हुआ है, कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई छोटा मोटा रोग नहीं है, तुम्हें ब्लड कैंसर हुआ है। आए हाय बाबू कलेजा कांप गई, ए साहब हम कैसे ठीक हो जी, कले जी हमें तो समझाए बदे हम तोके बैठोले ही कि तू गरीब आदमी है, पूरे परिवार के ब्लड बेच के घर द्वार बेच के अपनी इलाज करा लेबू तब वो ठीक ना हो, खूब जियबू खूब सब जिम्मेदारी चली तो 4-6 महीना के निर्माण और गाड़ी घर गई। शाम के बेला बा सैया रिक्शा चला के एलम, जौन खाना बनल बा सैया के आगे रखले बारी, और शांति बैठल बारी सामने, बड़ी पे कह बारी की ए सरिता के बाबू एक बात हमारे दिल दिमाग में आवत रहल, अगर हमें कुछ हो जी तो दूसर शादी कर ले बना, अरे पगली पागल हो गई, तीन के बच्चा भगवान दे देलन, जिंदगी रहने के सारे दिख जी का बात करते पागलन के तरह। सरिता माई के लिए आगे खाना वाना किया के सुतौले दे, 10 बज गई रात, सरिता से बर्दाश्त ना गई, जाके अपने माई के चादर में हटा के देखा दिया कि माई ठीक बारो ना, सरिता के हथवा पकड़ के माई बैठा लेना, दोनों बचौवन के अपने बदलिया में सुटोले दे, और सरिता के हथवा दोनों बचौवन के हथवा में रख के माई यही हथवा के बदला लेलस। कलश की सरिता बर हमार बिटिया तुम ही हो, हमें वचन दे सरिता कि अगर हमें कुछ हो जी तो हमारे बचौवन के माई बन के पोसबू, माई बन के पोसबू। गौर करेंगे बाबू जी सरिता कलश के, रे माई पागल हो कि का बात करत हो, तू जल्दी ठीक हो जी, वो पूरा परिवार खाना वाना खा के सुतले लागे। 6 बज गई सुबेर, झाड़ लेके अपना बहारत पे माई के जब आवाज ना सुनलास तो गई जगावत में माई, ए माई उठाना बड़ा समय हो गई, माई ने दुनिया में रही तब न बोली, शांति के हार्ट अटैक हो गया था बाबूजी, इस दुनिया के छोड़ बस गई शांति, तीनों भाई बहन लाश पगिर के रवत तोर के माई, हमने के संगे ठीक ना कहलू, हमन के करे सारे जीवन जी माई, दशरथ मोर पलंग रे पगली के सरिता, आज ले हम ही तोर बाबू हम ही तोर माई वाली, फिर ही बिता के तीनों बचवन के लिए कि मेहनत मजदूरी रिक्शा चला के जियावे लगलन, सब बीते लगल है बाबू। 6 महीना के दिन बीतलवा, अब धीरे धीरे समय अपना खराब होके लगल कि घर में शाम के खां तो सुबेरे दा और सुबेरे खां तो शाम के दा, रात बीत गई, सुबेरे रिक्शा लेके दशरथ मौर रोड पर निकलल हुन, 12-1 बज गई, एक को यात्री ना आइल, ना 1 रुपया के बहनी नहीं बा, हाईवे रोड क्रॉस करत हुन ये सोचत हुन कि हमर बचवा हमर राह जोहत हुई हम कि बाबू आई हूं तो कुछ खाए बदले आई हम, तब तक ये बाबू
हम भी रोड क्रॉस करत रहे, फिर वाला उधर से आया, इतना बिजोर मारा कि दशरथ मर वही रोड पर छिपा गई। अच्छा पीछे मास लोग मोटरी में बांध के ले आई, चंदन लगा के अंतिम दाह संस्कार कर। सरिता रोहत दिया कि बाबू तू बैठ जिए कि सहारा रहा, तू छोड़ के चल गई ना। अरे ये दोनों बचंगन के हम कैसे जी आई, इतनी करे दुआरी जाके जी आई। ओ गरीब की बेटी रोज दुनिया के माता भगवान से कहती है, क्या कहती है मास्टर? जंगल में लकड़ी काट काट के बाजार में बेचने लगी। इतना ही नहीं, पूरे गांव में घूम घूम के दूसरे के घर में जाके चौका बर्तन करे लगल, बर्तन मांजे लगल। दोनों भाई के कलश की ए बाबू खूब मन लगा के पढ़ा लोगन, तो वो लोगन बदले भीख मांगे के हुई। पहले भैया बाबू लोगन से भीख मांग के पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई को खूब मन लगा के पढ़ा लोगन, और पढ़ के कुछ बड़ा आदमी बना। गौर करेंगे बाबूजी, जंगल से लकड़ी काट काट के झाड़ू पोछा कर करके रुपया एक एक रुपया भीख मांग मांग के दोनों भाई के पढ़ावे लगल, लिखावे लगल। आप लोगन बतावे ला ए बाबू कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर ना है। पढ़ा लिखा के एक भाई के इंजीनियर और एक भाई के डॉक्टर बनाती है, कुछ पैसा रख ले रहा। कलश के बाबू ये गांव में रह के कौन काम करबा, शहर शहरात में चल जेबा, कोनो बढ़िया नौकरी पकड़ लेबा, मन के गरीबी दूर हो जी। दोनों भाई इलाहाबाद में आते हैं बाबूजी, और इलाहाबाद में एक इंजीनियर जो था अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, और जो डॉक्टर था वो हॉस्पिटल में रहने लगा। बाबू समय बीते लगल, दिन बीते लगल, समय कतना दिन के बीतल, पांच साल के दिन बीतल बा। पांच साल में दोनों भाई के पास फर्स्ट क्लास के नई मकान, नई बंगला, नई गाड़ी, अपने मकान में हॉस्पिटल खोल लिए, बड़ा आदमी बन गए। इतना ही नहीं बाबूजी, दोनों भैया अपने मन पसंद जुगत दोनों थे लड़की देख के और अपन शादी भी करने लगे। पांच साल के दिन बीतल बा, घरवा जवान बहिनिया में बहिनिया के हालात का है, तन पर वो फटही लुगरी बा, कई जगह फाटल बा, वही में चक्की लगा के, टेवड़ी लगा के
किसी तरह से वो गरीब के देह की सरिता अपन तन अपन शरीर ढक ले दे। एक रुपया भीख मांग मांग के जिंदगी के गुजर बसर कर रही है। एक नौजवान के दरवाजे पर जाके कहती है कि बाबू मुझे दो दिन से बुखार आ रहा है, एक रोटी दिलवा दीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए। अरे हम ठीक हो जाई तो तुम्हारे घर में चौका बर्तन तुम्हारे हम काम करके हम पूरा कर दे। नौजवान बोला हुआ वारे सरिता आज तेरा दिन ऐसा आ गया कि तू एक रोटी के लिए भीख मांगने लगी। अपनी शादी कर ले, अपनी दुनिया बसा ले, तो तू तो यही कह रही थी ना कि बाबू हमार तो शादी हो जी, हमार तो दुनिया बस जी, लेकिन हमारे दोनों भैया बिखर जी, एक के पोसे वाला क्यों नहीं थे। क्या मिला दोनों भाई से रे सरिता, तेरा भाई इंजीनियर डॉक्टर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और तुम एक रोटी के लिए घूम घूम के भीख मांग रही है। अरे पगली अपने दरवाजे पर तुझे नौकर भी बना के सब रखे होते, एक रोटी भी देते तभी तेरा दिन पार हो जाता। हाथ जोड़ लेती है कहती है बस बाबू बस, मत लीजिए रोटी, नहीं चाहिए आपका पैसा भैया मुझे, लेकिन इतना बढ़िया ताना मत मारा वो बाबू, अपना बढ़िया ताना मत मारा। दौड़ के भाग के टूटी हुई झोपड़ी में आती है, सुचुक दिया गया है गौवा वलम के ताना सुनने से बढ़िया कहीं रेल में कट के कहीं नदी इनार में कूद के मर जीती, लेकिन अब जीने की इच्छा ना बा। लेकिन सोच रही है कल दिन अगर मैं रेल में कट के मर जाऊंगी, नदी इनार में कूद जाऊंगी, तो गांव वाले यही कहेंगे कि कुल अछनी रहा कहीं अपन मुंह करिया कैले रहा शर्म के मारे मर गई दिया। नहीं इलाहाबाद कोई दूर नहीं है, मैं इलाहाबाद में चलूंगी और जाके अपने भैया लोगों से पूछा कि हम कौन गलती कर ले रही थी, कहां लोगों ने भुला गया। ट्रेन पकड़ के बाबूजी जब इलाहाबाद स्टेशन पर आई हुए तो उस समय वही का ब्याह में आएंगे इतना मेरे जी चढ़ते उतर लगे किसे जी चढ़ते उतर लगे बड़ो गोइया अरे सैया सकते है। नौजवान सोच गया वो हो अरे ये लड़की तो विपत्ति के मारी है, बोला अरे बहना तेरा क्या मदद कर
सकते हैं, जब बहमा शब्द और जवान के जुबान से सुनती है तो कहती है बाबू आप मेरा मदद करना चाहते हैं तो भाई कुछ पता है इसी पतवा पर हमें ले चल के पहुंचा देना। और नौजवान उसी पता पर लेकर आया बाबूजी, और जब पता पर लेकर आया तो फर्स्ट क्लास नई बंगला नई गाड़ी लेकर जाकर हिम्मत ना भड़कना कि हम आवाज लगाई हमार बंगला हतना पढ़कर आदमी होगी नहीं। तन पर फटी कपड़ा बिखर बिखर बाल आंख में आंसू दरवाजा टूटने लगी। कोई है घर के अंदर दरवाजा तो खोल दे। दोनों भाई मस्ता करत रहे अपने दुल्ही से आवाज बोलन की जाके दरवाजा खोल के देखा ये दरवाजा टूटा। जब दोनों दुल्ही दरवाजा खोलनी ये बाबू तो सरिता हाथ जोड़ के रसी ये पही कि धनुष प्रधन इंजीनियर डॉक्टर के घर है ना, हम उनकर बही रहे तभी हमारे बचाओ मोहन से मिलवा दे तू। कितना भाव है भवन के अंदर दरवाजा दोनों बंद कर देती है। दोनों भाई बुझरन के किए हा कहे पता ना अब भीख मांगने वाली है और बतावत है कि इंजीनियर डॉक्टर के हम बहन है कला अरे मारा हटावा कुछ देगा पागल है चल जी। इतना बाप जब सरिता सुनती है बापू पहाड़ टूट गए सीना बगीर कहती है सही भैया ठीक गलत हो कि कोनो पागल है लेकिन याद रहे भैया हम तो हर वो सरिता है पढ़ावे लिखावे खातिर खून पसीना एक कही लेकिन समय हालात ओ मोड़ पलिया के खड़ा कर देलस कि ओ समय हम तो वो लोगन के पढ़ा लिखा के इंजीनियर डॉक्टर बनौनी आज ओ समय आ गई कि तू हमें बेहे लायक हो गया और अरे दुआरी को हम भिखारन भीख मांगने वाली हो गई। अरे पगला आई हूँ रहने के लिए नहीं आई हूँ हाई यहाँ से पसने रही माई बना रहनी मम्मा ना मान लो देखे बदे आई नहीं जा भानी लेकिन एक बिछा तोड़े दरवाजे से हम लेके जाई दे भैया बहुत प्यार करो तो मैं अपने बहन से ना थोड़ा सा भी हमारे लिए तोड़े दिल में जगह हुई कहीं काम कर देता कहले बेटा कहलस बहिया कहले बेटा कहलस I'm
आपस में बात करें, कोई दुखियारी है, विपत्ति बीमारी है, लग रहा है कुछ इसको मदद करना पड़ेगा। दरवाजा खोल के जरूर सरिता पर नजर पड़ल हो बाबू, अब वही भी दोनों देख के वही द्वार पर खड़ा हूं। तब तक पगली हो गई, दौड़ के आगे अपने सीने से दोनों बाहर के लगा लेती है। कहती है, बाबू कौन गलती कर रही हो भैया, दोनों भाई के प्यार मोहब्बत में पड़ के सरिता इलाहाबाद में अपने भाई के पास में रहने लगल। जब अपने भाई के पास रहने लगल है बाबू, दो महीना के दिन निकल बा, दोनों भाई अपने अपने ड्यूटी पर चल जा। लेकिन जो घरवा दोनों बुलैया रहनी, एक पेट के एक मतारी के सब दोनों बहन रहनी, आपस में दोनों समझा गई कि आज शाम के फैसला हो गया रही। एक घर में तो हर बहन रही ना, तो हमन के दोनों बहन रही जी। दोनों भाई आई हमन ना पानी के पूछो थी ना चाय के पूछो थी, आवाज देखी कि बड़का बही वाला बनत हुआ ना, तो आज के बाद ये घर में तो हर बहन रही, हमन के दोनों बहन घर छोड़ के चल जाए जी, जहर खा के मर जाए जी। इतना बात जब दोनों भाई सुनते ही बाबू जी, अरे तुम तो एक वेश्या बनकर आई हो, मेरा दूषित हो गया आगन है, निकल हमारे घर से, तू हमारे बहन तो, तुम नागन हो, नागन वेश्या हो, भिखारन हो, टूट गई हो बाबू। गंगम गंगम खाको दिया, हथवा जोड़ के कलश की कहा कह दिला हो भैया, जीभ गल जाएगी, अब जा रही है एक सरिता, कभी तेरे द्वार नहीं आएगी। हमें काम मालूम है कि कोई महीना ये घर में रख के एक रोटी खिला के हर मेहरानों के बाद में पड़ जी बाबा, माई मरण तो माई बन गई, बाबू मरण तो बाबू बन गई, अरे पगला कुंवर बदे आज जीवन कुमारी मेरे के दर्शन खा लेनी, आज ही मेहरारू के बाद में पड़ गिला। तब तक ये बाबू दौड़ के एगो दुलही छोटा पकड़ ल सो, आ एगो दुलही बा घरवा में से घीचत खिसेटत ठिठेरत ले जाके दुआरी के बारे धक्का मार के ढकेल देनी, मुंह के बगल गिरा ले, दरवाजा बंद कर देनी। सरिता कहस में भेजा हो जान पाली, जान पाली, लेकिन जाए से पहले वो अमर बतिया तो सुन लेता, कहलस का कहलस, जलन का हम ले जाके खड़ा करी, ओहू मोर पर खड़ा हो जी। लेकिन जीते जीते ही दोनों पपिया और पपिया कर चेहरा कबूला दिखाई।
शादी के दिन हम स्नान करेंगे। कलम के है गंगा माई अपना दिन हो गए को बेटा बेटी हमें नहीं कि माँ भीलन सुनी दादा की बड़ा तोहार लमहर बाह अगर हमारे तो नहीं के कथ बेटवा दे दे दू तो तुम्हें आर पार से मना चाहें समय बीते लगल है बाबू धीरे धीरे कुछ दिन के बाद दोनों दुलही के आंचल में भगवान एक कथ बेटा दे दलन गंगा माई के आशीर्वाद से दोनों दुलही के कथ बेटवा पैदा भेल हुआ। जब बेटा पैदा भेलन रुपया बांटल जात बा मिठाई चारों तरफ बांटल जात बा दरवाजे पर भोजन करावल जात बा यह अपना खुशी हो लेकिन गौर करेंगे बाबू आखिर सरिता बहिनिया गई तो कहाँ गई विदेशिया के निर्भाव बा समाज में कुछ ऐसे लोग हैं बाबूजी ऐसे दरिंदे पड़े हुए हैं कि भाई बहन के पवित्र रिश्ता तो बचते रहा है वो तो इस दुनिया में अकेली है कैसे ये दुनिया वाले छोड़ेंगे जंगल के रास्ता पकड़ के चल देती है सोच रही है कि ये सब सुनने से पहले और ये सब देखने से पहले मैं मर जाती तो बहुत बढ़िया होता। गंगा जी के किनार पर आती है गंगा जी के लहर उछाल मार रहा है बाबू और सोच रही है कि मैं गंगा जी में कूद के अपना जान दे दूंगी। जो ही गंगा जी में कूदे कहेगा सो बाबू बगल में फूल देखे जाके बुढ़िया माली फूल तोड़ तोड़ के डाली में रख रही थी सोच रही है लड़के जान देने के लिए आई है मर जाएगी। जो ही सरिता कूदे कैलस पीछे से हाथ पकड़ के बुढ़िया मालिन खींच रही है सरिता झकझोर रही है छोड़ दे मुझे मर जाने दे मुझे नहीं जिंदा रहना है माँ। बुढ़िया की प्रियंका की होश नहीं था क्यों जान बन के आई है बाबू बोले नहीं माई बोले नहीं बाबू माई के बोली कितना बुरा मान ले लू कि आगे लोग जान बने पड़े बुढ़िया मालिक की दौरा तवारी पकड़ ले रस तरस की नाम आई ना ये दुनिया में हमारे कोई देखे अगर हमारे बाबू माई जिंदा होते तो सारे भी लोग को हम ना लाई होती मर जाएगा हमें जिए के ना हा हमें कहानी जाने चाहते बुढ़िया कहती है आखिर क्यों की इतना दर्द है क्या बात है कहती है माँ हमारा दुख जानना चाहती है दो भाई माई मर गई माई बन गई बाबू बन गई बाबू बन गई जंगल से लकड़ी काट काट के मेहनत मजदूरी करके भैया लोगों से भीख मांग मांग के पढ़ा लिखा के इंजीनियर डॉक्टर बनोगी जब बड़ा आदमी हो गया तो अपने घर से हमें बेसिया बनौलन भाई भिखारन बनौलन नागिन बनौलन अपनी नानी अपनी तुम्हें से हमारे छोटा खिंचवा के घर से निकलोलन तो बुढ़िया कहती है कि वो तो तेरा ये कहानी है इसीलिए तो जान बने के लिए आई है अरे लड़की तू मर जाएगी यही से तेरा कहानी खत्म हो जाएगा। इंसान उसी को कहा जाता है कि धरती पर मर गया जी के जवाब दे दे तो यही सोच रही है ना कि कहां जाएगी किसके पास रहेगी
पांच साल पहले हमारे नाम से संदेश हुआ थे। आज जीवन दर्शन रोहिणी भगवान को बेटा बेटी ना दिलन हमारे बिटिया बनबू जौन खाई तौन खियाई इज्जत से अपने झोपड़ी में अपन बिटिया बना के रख। माई में जब सहारा सरिता के निर्भर हो बाबू तो मेरी बात तेरी के दुर्भाव मास्टर। तैयार पार के मेला चढ़ाई मनौती जवाब में तक ना रखल जला बेटा भेगी तो चला गंगा माई की मनौतिया पूरा कर देगी। दोनों दुलही दोनों भैया दोनों बचपन के ही आंचल में समेट के लेके चलल ही तो भैया बिहो में कहानी यही से मोड़ गेलस पापा के निर्भर हमारे गंगा माई के आर पार के माला चढ़ा के लोगों पर बैठ के शेर करत रहलन बीच दरिया में जाके मैया तक मगाए लगल। अच्छा मैया तक मगाए लगल तो मल्ला चिल्ला थो कि मैया इनमें हर कोनो कसूर ना है तबला मैया पलटी मार गई। अच्छा मैया पलटी मार गए बाबू लोग चिल्ला बारे मैया दौड़ा हो ना तो पूरे परिवार डूब के मर जाए चाहता। एक मना भैया पर नैया ले गए नैया के लगे नैया सदा के खड़ा दे ले हूं हाथ खींच खींच के अपने नौका पर गए दोनों बाबू दोनों माई को मिल गई। लेकिन बड़ा भोग विलास के दोनों बेटा रहन कहा हाथ से छूटल छान दिन होते रहे लेकिन बेटन के लाश तक ना मिलल चारों पागल हो गए लोगन आप अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोचिए लोग बतावेगा कि इंसान के लाठी में आवाज होना लेकिन भगवान के जब चक्र घूमेगा उनके लाठी में आवाज ना हो लेकिन चोट बहुत गहरी हुई चारों रोत हुए आखिर रोत रोत पागल भेल हुए आगे भेल का आधा के निर्भर हुआ
बा कोई चंदा कई जगह माला के आदर पहुंचावे के हो आदर आई माला पहुंचावे के हो सरिता गंगा जी के तिरोहिया बीबी यहां खेत रहा हम फूल के और आके फूल तोड़े लगन पांच बजे सवेरे घर से चल रहा दस बजे प्यास लगे लगन सोचल हो कि फूल भी अभी कम हो घर जाई भाई बकाज होई बगलिया में गंगा माई है चल के दुई जुड़ी पानी पी ली एक बार फिर इकट्ठे फूल तोड़ के घरे चले जब गंगा जी की किनार पे लाती है बाबू जी तो जुड़ी या जुड़ी के पानी उठा के मुहे कर लगा ले कैलस हाँ से पानी छूट गया देख क्या रही है कि बगल किनार पर एक मुहर मुर्दा लगल हा और मुहर मुर्दा के ऊपर भूत लड़का हुआ दोनों बचेगा जिंदा हो सोच रही कि इसे बनाना है कि कोनो भूत बन के दरवाजा खोलूं लेकिन जब लड़कन के चेहरे की ओर देखती है बाबू मन का जाग उठा हमारे माई मर रहा यही मेरे दोनों भाई के हमारे आश्रम में डाल के गई रहल अरे यह तो कोई की बेटी नहीं है वो पगली के काम मालूम बा कि काई हमारे भाई के बेटा ना हुआ आ है बाबू जी दोनों बच्चन के गंगा जी में से छान के लेके बढ़िया मालिक के बगीचा में आई बढ़िया बिकने गरम रो कई मालिश के लिए दूध मना पियावत दे बगिया के लेले बिया कहो बिया की है माई अरे है कर मुहवा तुम्हारे भैया जी से लड़ता लेकिन जानू थो हम बेटा जरूर पहले ही लेकिन जो बाबू माई की हैसन हैसन नाम हो जाई हुई है ओ बाबू माई का कह के अपन करे जब हम बनाई आए हाय बाबू जी एक काम कर दी है पेपर में छपवा देती है थाने पर खबर दिलवा देती है स्टेशन पर खबर दे देती है कि मैं गंगा जी से दो ठेर बच्चा पाक लाई हूं और वही के हम बेटा दे जेकर हकीकत असलियत में दोनों बेटा हूं चारों जब पेपर के बाद पढ़ले हुआ ये बाबू दौलत भागत लेलन और आगे बुढ़िया मालिन के पैर पकड़ के रहो लग रही कि मारी यही के एडमिस पेपर में बिहार रही हो हमार बच्चों के पहले रख ले हो हमार बेटा दे तमाई हमार लाल वापस कर दे ना तलु मर्जी सरिता सोचा थी कि उन्हें सुमिर ने फेल आते रोगे लगन टूटी हो झोपड़ी से निकलती है बाबू एक एक कदम का चौकट पार कर ले रहा अपने आप में कदम रुक गया थपक जाती है आंख से आंसू छल चला उठा पहचान गई कि ये तो वही हमारे दोनों भैया हैं वही दोनों बहुजी है जे अपने घर से अपने बेस्ता बना के झोपा खींच के निकल ले रहा बहनिया में पहचान गई कि हमारे भैया भौजी हैं लेकिन उन चारों ना पहचानलन पपिया पपिया कि हमार बहन है कहे बाबू हमारा पूरी कर दिया तो हम बेटा हम पहले रही लेकिन अपना काफी पानी पी ले रहे कि तोरे बचाओ के बचाए ना कोई मर गिलन तोरे बेटे के जहां दफन के लिए ही उन जगह ले चल के हम दिखा सकेला चार रोवा तोड़ के बेटा खिलौने के तो बहुत ना भाई लेकिन कम से कम चल के मुल्कों मुहाना को देख ले की अमा गया के सरिता पीछे से चारों लोग चलत हुआ तो भीड़ you
बहना के लिए रहल, दोनों बचौन के मीस घस के दूध उठ पिया के सुटौले रहल, छगरिया खिजलस कहलस के हे बाबू सुतवा लोगन के कोर बाबू माई लाई लोगन अपने बाबू माई के लगे जीजा जब दोनों लड़का रोवे लगन माई नहीं कहे लगन चारों तौर गए बाबू जी शरीफा के गोदिया से छपक के लड़का ने छीन ले लगन छीन के छूने लगन आखिर कौन लड़की है। जब ले जाए लगल सरिता अपने आप को जरूर पत्थर के बनाई थी बाबू, लेकिन कौन ऐसा करेजा हो भैया कि जो करेजा मान जी हमें पहचान इतना देरी कर देना बाबू। अरे हम कोई दुष्ट ना है बाबू, वही सरिता ही वही सरिता जो तुम लोगों को नहीं बन के पोषणस। लेकिन भैया भौजी लोगों के बाद में पढ़ के दूसरा बन गए लोगों छोटा खींच के निकल ली लिया गया अपन बेटा घुस गया दुनिया के दाता भगवान से। मैं यही विनती करूंगी कि पूरी दुनिया के दुख हमारे अंचल हो और पूरी दुनिया के सुख में हम लोगों के कदम में हो। इतना पाप जब चारों सुनते हैं बाबू तो कहीं लड़का जाकर अच्छा
बहार दो सौ 51 का पुरस्कार देकर हौसला बढ़ाया गया और आपके भी सम्मान होगा। सब भैया लोगों के बहुत बहुत प्रणाम, जो भी छुट्टियां हुई आप लोग क्षमा करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गाना वाला हो ही बराबर सब बराबर Thank you.